ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारकाधीश मंदिर पहुंची हुई थी, उनके बेटे दुष्यंत सिंह उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बार वो यहां से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लगातार वो लोगों के बीच जाते रहे हैं। चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है, चुनाव प्रचार थम चुका है, उसके बाद आज भगवान के दर पर मन्नत मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। वसुंधरा राजे का गृह जिला रहा है, पिछले 30 सालों से वसुंधरा राजे यहां से सांसद रही है। पिछले 3 बार से उनके जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह वो सांसद रहे हैं। हम वसुंधरा राजे से खुद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है। मैडम, यहां के लोगों ने आपको प्यार दिया है, आप इसके जो रिटर्न है उसको किस तरीके से देखते हैं? आप यहाँ पर क्या क्या आपने जो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर सौगात दी है? मैम, ये क्षेत्र के अंदर 30 साल से हमने एक दूसरे को परिवार माना है, हमने एक दूसरे के साथ काम किया है, हमने सब 36 के 36 जातियाँ एक साथ मिल के बैठ के हम लोगों ने अपने विकास को प्लान किया है। और ये सब नहीं होते, इनकी ताकत नहीं होती तो हम यहाँ तक पहले पहुँच भी नहीं सकते थे, ये काम कर भी नहीं सकते थे। जो भी हैं हम इनकी सबकी वजह से हैं, इनके प्यार के, इनके आशीर्वाद और इनके विश्वास की वजह से हैं। और इन्होंने ही हमको इतनी शक्ति दी और तय किया कि हम लोगों को क्या करना है, तो ये हो गया जो जैसे वो सपना था उनका। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये प्यार का, बॉन्डिंग का, विश्वास का, स्नेह का ये नाता है। मुझे ऐसा परिवार मिला जिनकी मैं सेवा कर सकूं और जिन्होंने हर कदम पे साथ और प्यार दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा झालावाड़, जो भी झालावाड़ बना है, ये झालावाड़ में हम लोग सब नहीं, ये पूरे लोग नहीं होते, ये पूरा परिवार इतना बड़ा नहीं होता। और इनने अगर अपने सपने को हमारे सामने नहीं रखा होता तो कहाँ कर सकते। देखिए, ये थी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोगों का प्यार है, जो स्नेह है, यही एक मेरी लगातार जो जीत का बड़ा कारण रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। खबर जयपुर।